हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल निजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे ये फेन का स्पीकर। बेसिकली दोस्तों ये स्पीकर आता है 18 इंच के अंदर, और बेस की जो क्लियरिटी है और जो पंच है यहां पे, अगर आप मानते हैं कि सीने पे पंच चाहिए मुझे क्लियरिटी के साथ, तो ये स्पीकर है आज के दिन। और काफ़ी अच्छा रिव्यू करने वाला हूं यहां पे, इसके अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं यहां पे, हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे कैसा मटेरियल और किस क्वालिटी का मटेरियल इसके अंदर यूज़ करा गया है, और वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बॉक्स की पैकिंग, और यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है, यानी क्लोसोस 18SB के नाम से। इसके काफ़ी सारे मॉडल हैं, यानी क्लोसोस के यहाँ पे फेन के काफ़ी सारे मॉडल हैं जो कि अलग अलग काम में आने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको लॉन्ग पंच और हैवी पंच का स्पीकर चाहिए विद क्वालिटी और क्लियरिटी, तो ये वाला स्पीकर है दोस्तों। और यहीं मैं बात करूँ प्रोफेशनल कंपोनेंट स्पीकर, यहाँ पे लाउड स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वेबसाइट भी मेंशन कर रखा है, यानी feninternational.com, तो विजिट जरूर करिएगा। और भी मॉडल की आपको जानकारी और यहाँ पे इसके फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल भी यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है। साथ ही हम यहाँ पे फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी करी गई है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ उसको अनबॉक्स तो ये आ जाता है कुछ इस टाइप से। और ये यहाँ से मैंने इसको खोला, और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ब्रांड लोगो फेन का। तो कोई भी आप स्पीकर लीजिए फेन का, तो यहाँ पे आपको ये ब्रांड लोगो बिल्कुल मुफ्त और काफ़ी अच्छी क्लियरिटी के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों ये मेरा फेवरेट है। यहाँ पे अगर मैं किसी भी स्पीकर के आज तक अनबॉक्सिंग कराऊँ, तो ये जो लोगो है वो मेरा अभी तक का फेवरेट लोगो मुझे लगा, और इसे मैं ज़रूर से ज़रूर अपने कैबिनेट पे लगाऊंगा। और डिटेल हम देख लेते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस फेन के स्पीकर को लेते समय आपके पास ये सर्टिफिकेट हो, यानी इस बॉक्स के अंदर ये सर्टिफिकेट निकलना चाहिए, तभी जाके वो मान्यता है यहाँ पे कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। और साथ ही यहाँ पे आपको ये रबड़ ग्रिप देखने को मिल जाती है जो कि डबल टेप कहलाती है। तो ये क्या रहता है कि जो फ्रेम होता है यहाँ पे, आप जब कसते हैं तो जो एयर रह जाती है, यानी एयर पास काफ़ी होती है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ये आपको रबड़ ग्रिप देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे मैं अगर स्पीकर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे एक और अंदर कार्डबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, इसके अंदर देन स्पीकर रखा गया है। जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये स्पीकर आ जाता है, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, उसके बाद हमें क्या डिटेल देखने को मिलती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ जाता है स्पीकर का पेपर कॉन, और यहाँ पर डस्ट करें आपको कैसे देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर हम फ्रेम पर देखें, तो यहाँ पर आपको डबल डबल होल देखने को मिलते हैं, यानी श्योरिटी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ये आ जाता है फ्राइट में, तो उसका वजन भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा है कि यहाँ पे फ्रेम पे आपको डबल डबल होल दे दिए हैं। इससे क्या रहेगा कि आप इसमें एलिंकी से टाइट कर दीजिए, और इसको आप जिप्सन से टाइट कर दीजिए, ताकि जो यानी जो हिलेगा नहीं यहाँ पे, जो अगर बेस का पंच जाता है, तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि स्पीकर ढीला रह जाता है, तो यानी वाइब्रेट करता है, बहुत ही गंदा वाइब्रेट करता है, अननोन सी साउंड आपको सुनाई देती है। तो इस चीज़ की श्योरिटी के लिए यहाँ पे डबल होल दे दिए हैं। यहाँ पे आप पेपर कोन की क्वालिटी को देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक टाइप की कोटिंग करी गई है, यानी इस पर कार्बन कोटिंग करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आता है डस्ट कैप, और डस्ट कैप को मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस टाइप से डस्ट कैप है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, यानी जो कंपनी ने है यहां पे कुछ नया करने की कोशिश करी, और यहां पे इसको भी डस्ट कैप को भी चारकोल गम से सील कर रखा है। कुछ इस टाइप का आपको डस्ट कैप देखने को मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको मैग्नेट पे क्या डिटेल है और पीछे की साइड क्या डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है बैक साइड मैग्नेट का, और यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फेन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, क्लोसोस। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर, यानी जो इसका क्लोसोस है वो सीरीज नंबर, और यहाँ पे मॉडल नंबर है 18SB के नाम से जाना जाता है। 1000 वाट यहाँ पे आपको पावर जो रेटिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है, तो ये वेबसाइट आ गई। और पीछे का जो यहाँ पे ये थ्रॉड यूज़ करा गया है, तो ये हल्का सा ब्राउन ब्राउन टाइप का कलर का इस पर यूज़ करा गया है।
चलते हैं यहाँ पे, मैं कुछ और डिटेल आपको देता हूँ। साथ ही दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाता है टर्मिनल सॉकेट्स, और जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। पर्सनली मैं बताऊँ, जितने भी मैंने अभी स्पीकर अनबॉक्स करे हैं यहाँ पे फ़ैन के, तो यहाँ पे ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है तो इन पर भी ध्यान देता है फ़ैन, तो ये चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ये आपको ओरिजिनल की पहचान देते हुए एक बार कोड स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पे हम कुछ और डिटेल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाते हैं स्पाइडर की क्वालिटी, और यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। बेसिकली दोस्तों ये है ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर, इसके अंदर यूज करा गया है और ये काफी अच्छी क्वालिटी है। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आप बीच में ये गंभीर सा देख रहे हैं, यानी ये सिलिकॉन है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ड्यूल रिलायबल होता है, यानी दो गुना ज़्यादा रिलायबल, और यहाँ पे स्पंची होता है नॉर्मल स्पाइडर से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है ये साइड वेंटिलेशन सिस्टम। बेसिकली दोस्तों ये साइड वेंटिलेशन सिस्टम किस काम में आता है, तो आपको पता ही है यहाँ पे ये काम आता है वॉइस कॉल को ठंडा करने में, और ये साइड वेंटिलेशन काफ़ी मेरे को बड़े दिख रहे हैं, तो इस चीज़ का इसमें ध्यान दे रखा है कि वॉइस कॉल ज़्यादा आपके जल्दी कटेगी नहीं, यहाँ पे उड़ेगा नहीं स्पीकर, जलेगा नहीं वॉइस कॉल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे लगी ये डिटेल मुझे जरूर से नीचे कमेंट बताना। अब बात करते हैं इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी पावर रेटिंग की। तो दोस्तों ये आ जाता है 1000 वाट का एक स्पीकर, यानी एज पावर इसकी 1000 वाट है। यही अगर हम देखें इसकी जो पीक पावर है तो वो जाता है यहाँ पे 4000 वाट तक। यही अगर मैं बात करूँ इसके साथ इसकी जो वॉइस कॉल है वो कितने इंची की यूज करिए, तो जैसे यहाँ पे आपको 4 इंची की वॉइस कॉल देखने को मिलती है, जो कि है यहाँ पे इन आउट वाइंडिंग वाली, यानी डबल वाइंडिंग वाली आपको देखने को मिल जाती है, कॉपर के अंदर है बेसिकली दोस्तों। और यही अगर मैं बात करूँ इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है तो वो आपको कितनी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे 35 हर्ट्ज से लेके 2500 हर्ट्ज तक की यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिलती है। सेंसिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100 dB सेंसिविटी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यह आता है फ्राइट मैग्नेट पे डाईकास्ट एल्युमिनियम, यहाँ पे इसका जो चैसी का मटेरियल है उसमें यूज करा गया। अब चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग देखते हैं। तो टेस्टिंग पे मैं जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ टी बीन बेस कैबिनेट सिंगल में, और उसके साथ मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे मॉनिटर हल्की से मिड के लिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि बेस कहाँ पे आ रहा है और मिड कहाँ पे आ रहा है। चलते हैं यहाँ पे टेस्टिंग एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं अपने ये 18XP को, और यहाँ पे मैं फिट कर चुका हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने यहाँ पे टीबिन कैबिनेट को यूज़ करा है इसको टेस्ट करने के लिए, साथ ही मैंने यहाँ पे ग्रिल को खोल दिया ताकि आपको पता लगता रहे कि स्पीकर कैसा चल रहा है। ऊपर मैंने हल्की सी मिड के लिए यहाँ पे एक मॉनिटर स्पीकर लिया है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं आपको बेस सुनाता हूँ, देन उसके बाद फिर मैं आपको मिड के साथ सुना देता हूँ कैसी क्वालिटी आपको सुनाई। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी, और कैसी लगी इसकी क्वालिटी जरूर से नीचे कमेंट बताना। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पंच यहाँ पे हैवी पंच वाला स्पीकर अगर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मैग्नेट की गैपिंग है यहाँ पे जो मोटाई है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वॉइस कॉल यहाँ पे कॉपर डबल ब्रांडिंग में यूज कर रखी है। यही अगर मैं बात करूँ कैबिनेट की रिकमेंडेशन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सिंगल में टी बेन, और यहाँ पे स्कूप अगर यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको जो क्लैरिटी होगी बेस का जो पंच होगा वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सुनने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप इसको परचेज कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कस्टमर केयर नंबर फेन का, तो जाके आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है, तो जाके देखिए।
और परचेज करिए यहाँ पे, और आपको डेमो भी दिया जाएगा अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ स्टेट पे लेवल पे यहाँ पे आपको कांटेक्ट करिए, और यहाँ पे आप अपना स्टेट का नाम बताइए तो वहाँ पे कौन सा डीलर और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका भी एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।